तो अयोध्या में श्री भव्य राम मंदिर के निर्माण का श्रेय सही मायने में अगर किसी को जाता है तो वो है L&T के इंजीनियर्स, जिन्होंने दिन रात एक करके प्रभु श्री राम अद्भुत और अलौकिक महल तैयार किया है। लिहाजा जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की, सुनिए मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और जो इंतजार की घड़ियां हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी L&T के डायरेक्टर और उनके तमाम जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके ऊपर थी। वो यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। कल बड़ा अवसर आपके लिए है, प्रधानमंत्री कल मिलेंगे। राम मंदिर का निर्माण भी आपने किया है, कैसे देखते हैं इसको? हम लोग देखते हैं कि एक जो प्राइम मिनिस्टर का जो सपना था कि ये सपना हमने पूरा किया है, हमने सपना इसको साकार किया है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जो भी टारगेट हमको दिया हुआ है वो हमने खत्म किया। कितना मजबूत है, क्योंकि पूरे विश्व की नजर आपके निर्माण पे थी। ये 1000 साल तक चलेगा, इतना मजबूत है। मतलब इसमें जो डिजाइन किया हुआ है, इसमें सब कुछ कंसिडर किया गया है कि ये जो अर्थक्वेक है, जोन 4 का अर्थक्वेक का कंसिडर किया हुआ है, यदि कभी फ्लडिंग होगा तो उसका हमने ख्याल किया है। सब कुछ जो जो चीज आ सकता है फ्यूचर में सब हमने कंसिडर किया हुआ है। और जो मटेरियल भी यहाँ यूज किया, ऐसा यूज किया है कि ये सब खराब ना हो जाए 1000 साल तक। इसमें कोई हमने स्टील यूज नहीं किया है, बहुत कम सीमेंट यूज किया है। कम समय में आपने निर्माण किया, चुनौतियां क्या आई आपके साथ? चुनौतियां तो सबसे बड़ा टाइम ही रहा है, और जितना वॉल्यूम, इतना बड़ा काम करना था इतने कम टाइम में, तो जो इसके रिसोर्सेज को टाइम पे मोबिलाइज करना है, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज काम करना है, कभी लेबर है, कभी मटेरियल नहीं है, कभी कोई मशीन नहीं है, उसका पूरा समन्वय करके इस ढंग से करना है कि जो काम करना है सारी चीजें सब टाइम पे मिले, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता था। कौशिक जी, कम समय था, बड़ी जिम्मेदारी थी, आपको मोटिवेशन करना था, आपने तमाम जो लोगों को, आप डायरेक्टर भी हैं L&T के, तो कितना मोटिवेशन आपने किया इन लोगों को, कितना इन लोगों ने सहयोग दिया आपको? हम लोग L&T में हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, हम जो भी काम लेते हैं चैलेंजिंग लेता है, उसको टाइम में करने के लिए लेता है। बट इसमें इसके अलावा जो है, जो इमोशंस भी है, तो जितना अपना आदमी है वो इमोशंस भी इन्वॉल्व है। ये टेम्पल में हमको मौका मिला है, बहुत कम आदमी को मौका मिलता है कि उनका जो जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा एक टेम्पल बना है। हमने भी काफ़ी टेम्पल बनाया है, लेकिन छोटे मोटे, मतलब इतना बड़ा नहीं, तो इतना बड़ा टेम्पल मिलने का वो बाई इट्सेल्फ इतना बड़ा मोटिवेशन है कि हम लोग किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ है कि ये L&T के डायरेक्टर थे, और L&T के डायरेक्टर ने कहा कि जिस तरीके से उनको चैलेंज मिला, उस चैलेंज को पूरा किया, और इस चैलेंज को पूरा करने में राम जी का सहयोग भी रहा है। कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, अयोध्या।